ओम शांति। आज की हम मुरली रिवाइज करेंगे 5 फरवरी 1977। आज की मुरली में बाबा ने जो मुख्य बात पे फोकस किया है वो ये है कि हमारे जो 4 सब्जेक्ट्स हैं गॉडली स्टडी के, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इन चारों सब्जेक्ट्स की गहराई क्या है और हमें कैसे पता चले कि हमने चारों सब्जेक्ट्स में अच्छे से पढ़ाई की है और हमारे उसमें अच्छे मार्क्स हैं। तो चारों सब्जेक्ट्स को पढ़ने का एक तरीका तो ये है कि हम सुपरफिशियली या ऊपर ऊपर से करें, और दूसरा तरीका है जो बाबा ने निशानियां बताई हैं कि उसकी परख क्या है, आपने उन सब्जेक्ट्स को अच्छी तरह से किया है ये कैसे पता चलेगा। तो उसके बारे में आज बाबा ने काफ़ी डीप बातें बताई हैं। और ये मुरली इस तरह की मुरली है कि 7 डेज कोर्स करने के बाद शुरू के 10 दिन जो मुरलियाँ पढ़ाई जानी चाहिए उसमें से एक मुरली आज की होनी चाहिए, ताकि शुरू से ये क्लियर हो कि हमें 4 सब्जेक्ट्स में क्या करना है। अदरवाइज़ क्या होता है, कई बार हम 10-10 साल 5-5 साल ज्ञान में चलते रहते हैं, ऊपर ऊपर से चीज़ों को समझते हैं और कभी हमें समझ ही नहीं पाते कि हमने 10 साल दिए तो दिए क्यों, हमें क्या करना था। तो आज की मुरली के स्ट्रक्चर में एक बात तो है 4 सब्जेक्ट्स की, लेकिन ये 4 सब्जेक्ट्स की बात भी कैसे आई उसका एक और बाबा ने बात बताई है कि बाप दादा ये दिख रहे हैं कि बच्चे इतने महान बने कैसे, आखिर बच्चों की महिमा है क्या। तो महिमा बच्चों की ना सिर्फ वर्तमान समय में बल्कि आदिकाल में और अनादिकाल में, अर्थात देखा जाए तो पास्ट में क्या महिमा है, प्रेजेंट में क्या महिमा है और फ्यूचर में क्या महिमा है, तो तीनों कालों में क्या महिमा है ये बाबा देख रहे हैं। तो वर्तमान समय की जो महिमा है ब्राह्मण जीवन की, उसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं। तभी आप समझ गए होंगे कि मुरली का स्ट्रक्चर किस तरीके से है। बाबा ने पहले बताया कि आपकी महिमा तीनों कालों में कैसे है। तो वर्तमान में जो महिमा है वो ब्राह्मण जीवन की महिमा है और उसकी महिमा है 4 सब्जेक्ट्स के कारण। तो ये स्ट्रक्चर आज की मुरली का है। तो पूरी मुरली को हम बहुत ध्यान से एकदम मन को फोकस करके सुनेंगे, क्योंकि इस मुरली का एक एक शब्द, एक एक लाइन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बाबा ने कहा कि बच्चों की क्या क्या महिमा है जिस आधार से इतने महान बनते हैं, बाप उस महिमा को देख रहे हैं। आप सब अपने तीनों स्वरूपों की महिमा को जानते हो, एक है अनादि स्वरूप की महिमा, दूसरी है वर्तमान ब्राह्मण जीवन की महिमा और तीसरी है भविष्य आदि स्वरूप की महिमा। तो ये जो वर्तमान ब्राह्मण जीवन की महिमा है इसको बाबा ने डिटेल में टच किया है, जिसको हम देखेंगे। बाकी इन दोनों को बाबा ने शॉर्ट में बताया। तो पहले आते हैं आदि स्वरूप। आदि स्वरूप की महिमा तो अभी तक भक्त गा भी रहे हैं। आदि स्वरूप माना जब हम सतयुग में थे, तो क्या विशेषता है वो, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक। अब देखा जाए तो ये 1, 2, 3, 4, 5 वर्ड्स हैं या फ्रेजेस हैं, लेकिन इनमें से हर एक शब्द की गहराई अथाह है। अगर एक एक शब्द को अभी सोचा जाए तो बाबा ने इन एक एक शब्द पे पूरी पूरी मुरलियाँ चलाई हुई हैं, तो उस गहराई में भी आप जा सकते हैं, लेकिन अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो बाबा ने कहा कि यह महिमा है अंतिम फरिश्ते स्वरूप की, अर्थात भविष्य आदि स्वरूप की। जैसे ब्रह्मा सो श्री कृष्ण कहते हैं, वैसे अंतिम फरिश्ता सो देवता। तो ये है आदि स्वरूप की महिमा। तो बिल्कुल क्लियर पॉइंट है, आदि स्वरूप में हमारी क्या महिमा है उसमें हमने 5 बातें देखी। और ये अभी हमारे फरिश्ते स्वरूप की भी महिमा है, क्योंकि जो हमारा अंतिम स्वरूप होता है वही सतयुग में हमारा आदि स्वरूप होता है। अब आते हैं अनादि स्वरूप की महिमा पर। अनादि स्वरूप जब हम परम धाम में थे, तो बाबा ने इसमें कहा कि जो बाप की महिमा सो मास्टर स्वरूप में आपके अनादि रूप की महिमा है। जैसे मास्टर सर्वशक्तिवान,
मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर ब्लिसफुल, मास्टर पीसफुल। तो ये देखा जाए तो जो बाबा कई बार पांच स्वरूप का अभ्यास बताते हैं तो उसकी प्रैक्टिस भी इस मुरली से आपकी हो जाएगी। तो अभी हमने देखा अपना सत्युग वाला स्वरूप, अभी हमने अपना देखा परमधाम वाला अनादि स्वरूप। अभी बाबा आते हैं इस मेन बात पर, वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण स्वरूप की महिमा कौन सी है। ब्राह्मणों के जीवन के मुख्य चार आधार हैं। ब्राह्मण कहा ही जाता है पढ़ने और पढ़ाने वाले को, ब्राह्मण जीवन अर्थात गॉडली स्टूडेंट लाइफ। अब ये बहुत ध्यान से समझना है हमें, पढ़ाई के जो मुख्य चार सब्जेक्ट्स हैं वही ब्राह्मण जीवन के चार आधार हैं, और इसी आधार पर ब्राह्मण स्वरूप की महिमा है। और वो क्या है, नॉर्मली जब कोई पूछता है कि ज्ञान के कौन से सब हमारे जीवन के चार सब्जेक्ट्स कौन से हैं, तो हम कहते हैं ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। लेकिन इन बाबा ने इन चारों शब्दों के पीछे एक एक प्रीफिक्स जोड़ा है। तो क्या है, सिर्फ ज्ञान नहीं है परमात्म ज्ञानी है, सिर्फ योग नहीं है सहज राजयोग है, सिर्फ धारणा नहीं है दिव्य गुणधारी है, और सिर्फ सेवा नहीं है बल्कि विश्व सेवाधारी है। तो पहला करेक्शन तो हमें अपने माइंड में ये करना है कि एक बेहद का दृष्टिकोण इस बात के पीछे है कि हम कौन हैं। तो ये है ब्राह्मण, वर्तमान ब्राह्मण जीवन की महिमा। तो अपने तीनों स्वरूपों की महिमा को जानते हुए अपनी महानता को देखो और चेक करो कौन कौन से लक्षण प्रैक्टिकल लाइफ में निरंतर रूप में अपनाए हैं। तो बाबा ने क्या क्या इसमें एक तो कहा प्रैक्टिकल लाइफ में, दूसरा फिर निरंतर भी कहा। तो परमात्म ज्ञानी यानी पहले सब्जेक्ट का विशेष लक्षण कौन सा है जिससे प्रत्यक्ष हो के यह परमात्म ज्ञानी है, मुख्य लक्षण कौन सा है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का लक्षण अलग अलग होता है। अभी अगर हम नॉर्मली सोचें तो हम क्या सोचते हैं, आपस में कैसे बात करते हैं। ज्ञान का सब्जेक्ट माना कि अगर आप मुरली सुनते हैं सेंटर पर जाके, आप ज्ञान का लिटरेचर पढ़ते हैं, आपने मुरली की स्टडी की हुई है, और आप मंथली मैगजीन्स पढ़ते हैं, और आप ज्ञान में बोलने में एक्सपर्ट हैं, सुनने सुनाने में कोर्स कराने में एक्सपर्ट हैं, तो लोग कहते हैं ये ज्ञानी हैं, इनका ज्ञान का सब्जेक्ट है पूरा। लेकिन बाबा की जो डेफिनेशन है उसमें ज्ञानी की ये कोई बात नहीं है, एक्चुअली ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, ये ज्ञान नहीं है। तो परमात्मा ज्ञानी अर्थात नॉलेजफुल, नॉलेजफुल अर्थात परमात्मा ज्ञानी। तो ज्ञान की विशेष प्राप्ति क्या है, ज्ञान का फल क्या है, ज्ञान का फल अर्थात परमात्मा ज्ञानी का मुख्य लक्षण क्या है। तो अब समझना है ध्यान से कि हर संकल्प में, बोल में, कर्म में, संपर्क में मुक्ति और जीवन मुक्ति की स्टेज होगी, जिसको न्यारा और प्यारा कहते हैं, वह स्टेज है जीवन मुक्ति की। कर्म करते हुए भी बंधनों से मुक्त, अतः परमात्मा ज्ञानी का विशेष लक्षण है सभी में मुक्त और जीवन मुक्त स्थिति। ज्ञान अर्थात समझ, किस बात की समझ, समझदार सदा स्वयं को बंधन मुक्त, सर्व आकर्षणों से मुक्त बनाने की समझ रखता है। तो परमात्मा ज्ञानी का विशेष लक्षण हुआ मुक्त और जीवन मुक्त। तो ये बहुत 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 गहरी बात है ज्ञान के सब्जेक्ट के बारे में। ज्ञान का इन्फॉर्मेशन से कोई कनेक्शन नहीं है, इंक्लूडिंग मुरली। मुरली याद होना, मुरली पढ़ना, ज्ञानमृत पढ़ना, वर्ड रिन्यूअल पढ़ना, ज्ञान का सारा लिटरेचर पढ़ना, ये ज्ञान की सब्जेक्ट नहीं है, ये उसकी तैयारी है। रिजल्ट क्या है, ज्ञानी और अज्ञानी का भेद क्या है, ज्ञानी अर्थात जो मुक्ति और जीवन मुक्ति की स्टेज में हो, जो न्यारा और प्यारा हो, बंधनों से मुक्त हो, और सर्व आकर्षणों से मुक्त बनाने की समझ जिसमें हो, यानी ज्ञान जिसमें हो। तो ये होता है ज्ञान का मतलब। ज्ञान का मतलब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पता होने से नहीं है।
तो बाबा ने काफ़ी क्लियर कर दिया है ये। तो अब हमें देखना है कि हम कितना ज्ञान में हैं, कितने हम ज्ञानी हैं, अर्थात कितने हम मुक्त हैं और जीवन मुक्त हैं। अब दूसरी बात आती है सहज राजयोगी। तो सहज राजयोगी का लक्षण क्या होगा? तो योगी अर्थात योग युक्त अर्थात युक्ति युक्त, तो वह संकल्प और कर्म की समानता की सिद्धि स्वरूप होगा। ये काफ़ी डीप डेफिनेशन है और बाबा ने पिछली काफ़ी सारी मॉड्यूलों में सिद्धि स्वरूप को बहुत गहराई से बताया है। एक ऐसी अवस्था और एक ऐसा स्तर योग का जिसमें संकल्प जो हम करते हैं वो सिद्ध हो जाते हैं, वही कर्म में आ जाते हैं। ऐसी स्थिति समानता सिद्धि स्वरूप की स्थिति है। और योग युक्त अर्थात युक्ति युक्त, हर चीज़ एक्यूरेट हो, ऐसी स्थिति श्रीमत के अकॉर्डिंग एक्यूरेट हो, उसे हम योग युक्त स्टेज कहते हैं। तो कितने घंटे हम योग लगा रहे हैं ये बात इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम लाइफ में कितने एक्यूरेट हैं, कितनी राइट डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, हमारा थॉट प्रोसेस क्या है और हम कितना युक्ति युक्त हैं, ये सब रिजल्ट इस बात की है। तीसरी बात है दिव्य गुणधारी का लक्षण क्या होगा? तो इसमें बताया है कि सदा संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना, उनको सबकी संतुष्टता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, अर्थात गॉडली यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। लेकिन जब हम नॉर्मली बात करते हैं धारणा के सब्जेक्ट की, तो कैसे बात करते हैं? हम कुछ तीन चार धारणाओं की बात करके बात को ख़त्म कर देते हैं। हम सोचते हैं कि अमृत वेले उठते हैं कि नहीं, हमारा खान पान शुद्ध हुआ है, अर्थात बाहर का हम खाते हैं या हम घर पे खाते हैं। इस तरह की तीन चार बातें देख के हम सोचते हैं धारणा युक्त जीवन है, लेकिन वो तो है ही, वो हमारे नियमों मर्यादाओं का पार्ट है। लेकिन इससे भी गहरी बात है कि अगर धारणा है अर्थात दिव्य गुण है, तो उसका रिजल्ट है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, ये सर्टिफिकेट उसका रिजल्ट है। हमारा फोर्थ सब्जेक्ट है सेवा, जिसको बाबा ने कहा विश्व सेवाधारी। उसका विशेष लक्षण क्या है? तो नॉर्मली हम सेवाधारी किसे कहते हैं? ऐसी आत्मा जो सेवा में हर समय हाजिर रहे और किसी भी प्रोग्राम में कहीं भी सेवा में हाजिर रहे, भाग दौड़ करे, उसको शायद हम कहेंगे विश्व सेवा, हम उसको कहेंगे सेवाधारी। लेकिन बाबा ने बताया है कुछ और गहराई, विश्व सेवाधारी अर्थात निर्माण और अथक सदा जागती ज्योति होकर रहेगा। जागती ज्योति माना केवल निद्रा जीत नहीं, लेकिन सर्व विघ्न जीत, उसको कहते हैं जागती ज्योति। स्मृति रहना भी जागना है। तो मेन बात इसमें यह है कि हमारी स्मृति कितनी जागी हुई है। अगर ये स्मृति है सदा और हम सदा विघ्न जीत हैं और निर्माण और अथक हैं, तो हम विश्व सेवाधारी हैं। तो अब इन सब लक्षणों को सामने रखते हुए देखो कि गॉडली यूनिवर्सिटी की संपूर्ण डिग्री ली है, चार सब्जेक्ट्स के आधार पर जो महिमा बताई वही ब्रह्मड जीवन की डिग्री है, तो यह डिग्री ली है, तो यह वर्तमान समय की डिग्री है। फरिश्ते स्वरूप की डिग्री तो और है, किंतु अभी तो हर एक अपने को ज्ञानी योगी सेवाधारी तो कहते हो ना, तो जो अपने को कहते हो, समझते हो, चैलेंज करते हो कि सभी शास्त्र ज्ञानी हैं, हम परमात्मा ज्ञानी हैं, वे सब हट योगी हैं, हम दिव्य गुणधारी कमल फूल समान जीवन वाले हैं, हम विश्व कल्याणकारी अर्थात सेवाधारी हैं। इसीलिए जो चैलेंज करते हो वही लक्षण दिखाई देने चाहिए। क्या ये कठिन है? तो बाबा बड़े प्यार से पूछ रहे हैं क्या ये कठिन है? यह तो ब्राह्मणों का निजी धर्म और कर्म है, जो जन्म जाति का धर्म और कर्म होता है वह मुश्किल नहीं होता। तो वर्तमान महिमा को निजी निरंतर धर्म और कर्म बनाओ। तो जो सारी बातें बाबा ने बताई वो हमारी निजी हो, निरंतर हो और हमारा धर्म और कर्म बन जाए। तो समझा? अच्छा, ऐसे लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले, तीनों स्वरूपों की महिमा से महान बनाने वाले,
सदा मुक्त, जीवन मुक्त, युक्ति युक्त, सदा संतुष्ट, सदा अथक निर्माण, सदा जागती ज्योति, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आदि पिता और अनादि पिता का याद प्यार और नमस्ते। तो आपने देखा कि पूरी मुरली को बाबा ने समराइज कर दिया सिर्फ 2 लाइन्स में। तो इतना भी अगर आप याद रखते हैं और नोट करते हैं तो पूरी मुरली इसमें आ गई। तो हम देखते हैं रिवीजन के लिए। तो हमारे 4 सब्जेक्ट्स हैं जिनको बाबा ने आज कहा, परमात्म ज्ञानी, सहजदास योगी और दिव्य गुणधारी और विश्व सेवाधारी। तो पहले हम देखेंगे परमात्म ज्ञानी का क्या क्या विशेषता है उसकी। तो परमात्म ज्ञानी होंगे तो मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव उन्हें होगा, ऐसी अवस्था में वो होंगे। न्यारे और प्यारे होंगे, बंधन मुक्त होंगे और सर्व आकर्षणों से मुक्त होंगे, क्योंकि उनके पास इन सारी बातों की समझ है। ज्ञानी अर्थात समझदार। तो समझदारी किस बात की? सारे बंधनों से और सारे आकर्षणों से मुक्त होने की। इसी तरह से दूसरी बात है हमारी सहज राजयोगी, योग युक्त अर्थात युक्ति युक्त, संकल्प कर्म की समानता की सिद्धि स्वरूप। हमने कल भी यह बात की थी कि जब भी हम योग में हैं या हम मुरली पढ़ रहे हैं या हम स्वचिंतन कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली अपने संकल्पों की हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनकी डायरेक्शन को सेट कर रहे हैं और उनकी स्पीड को भी हम ध्यान से देख रहे हैं। अपने एक एक संकल्प को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जब ऐसी संकल्पों पर हमारी कंट्रोलिंग पावर आ जाती है तो धीरे धीरे वो सिद्धि स्वरूप बनने की स्टेज भी आ जाती है। तो ऐसे जीवन को कहते हैं सहज राजयोगी जीवन। तीसरा है दिव्य गुणधारी। जो गुणधारी होगा, जो सारी धारणाओं पर चलेगा, तो धारणाओं पर चलने के कारण संतुष्ट रहेगा, सबको संतुष्ट करेगा और इस कारण से गॉडली यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट प्राप्त करेगा। और चौथी बात है विश्व सेवाधारी। विश्व सेवाधारी वो जो निर्माण हो, अथक हो, सदा जागती ज्योति हो, सर्व विघ्न जीत हो। और सदा जागती ज्योति का मतलब यहाँ पर है सदा स्मृति स्वरूप हो, उसकी स्मृति की ज्योति जगी हुई हो। तो बाबा ने आज 4 सब्जेक्ट्स की जो गहराई हमें बताई है इसको हमें याद रखना है और हमें इसके अकॉर्डिंग चेक करना है कि अब हमारे 4 सब्जेक्ट्स का क्या हाल है, कैसा हमारा जीवन चल रहा है। ऊपर ऊपर की बातों में कहीं हम खुश तो नहीं हो गए हैं, हम जस्ट टाइम पास तो नहीं कर रहे हैं? क्या हमारा जीवन सच में मुक्त बना है, जीवन मुक्त बना है, बंधन मुक्त बना है, युक्ति युक्त बना है, सदा जागती ज्योत विघ्न जीत और संतुष्ट बना है? तो ऐसे गहराई से हमें चेकिंग करनी है। तो इस मुरली के आधार पे अगर हमें 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करना हो तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि कई भाई बहनों की बार बार ये रिक्वेस्ट है तो थोड़ा सा इसमें इशारा हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपने आप को संकल्प देंगे कि मैं ब्राह्मण आत्मा इस संगम युग पर गॉडली स्टूडेंट हूँ और तीनों कालों में जो हमारी महिमा है उसके स्मृति स्वरूप हूँ। आदि काल में जो महिमा है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसोधर परमोधर, अहिंसा परमोधर, उसका स्वरूप हूँ। और अनादिकाल में अपने पिता के साथ, पिता जो मेरा सर्व बातों में सागर है,
हम मास्टर स्वरूप हैं, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर पीसफुल, मास्टर ब्लिसफुल हैं और मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी भी है। उसके बाद संगम पे मैं ब्राह्मण आत्मा चारों सब्जेक्ट्स की पढ़ाई पढ़ने वाली एक गॉडली स्टूडेंट हूँ। परमात्मा ज्ञानी होने के नाते ऐसी समझ जो परमात्मा ने हमें दी, जिसके कारण हम मुक्त हुए, जीवन मुक्त हुए, सभी बातों से न्यारे और प्यारे हुए, सर्वाकर्षणों से मुक्त होने की समझ आई और हम योग युक्त हैं, युक्ति युक्त हैं, सिद्धि स्वरूप हैं। मैं आत्मा सदा जागृति ज्योति हूँ, सर्व विघ्न जीत निर्वाण और अथक हूँ, और मैं आत्मा सदा संतुष्ट रहने वाली और सदा संतुष्ट करने वाली गॉडली यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट का हकदार हूँ। तो इस तरह से हम अपने संकल्पों की ट्रेनिंग बार बार करते रहेंगे। तो बाबा ने जो आज हमें हमारे तीनों कालों की महिमा बताई और चारों सब्जेक्ट्स की गहराई बताई, इस पे अगर आपके कुछ और आइडियाज़ हैं, कुछ आपका चिंतन है, विचार है, आप शेयर कर सकते हैं। आपके चिंतन से अन्य आत्माओं को भी लाभ मिलता है। और आप कुछ भी और कहना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो फिर से हम साइलेंस में इन सारी बातों पर रिफ्लेक्शन करते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। ओम शांति।